हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैंप स्टडी ग्रुप। और दोस्तों आज बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 पर बात करेंगे। देखिए 8.2 में क्या है कि जो मैंने पीछे आपको प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू चार्ट कैसे याद करते हैं, वो आप मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर ली होगी ट्रिक के अकॉर्डिंग। और देखो वहां से इसकी वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ इस एक्सरसाइज में वैल्यू पुट करो और सॉल्यूशन कीजिए। साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, याद करने का मैंने तरीका बताया कि जो साइन 60 होती है वही कॉस 30 होती है क्योंकि एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। ये भी रूट 3 अपॉन 2, साइन 30 1 बाई 2, कॉस 60 1 बाई 2। दोस्तों ये इंटू होने के बाद ये आ जाएगा 3 अपॉन 4, ये आ जाएगा 1 अपॉन 4। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 4 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 कट के आ गया 1। आंसर दोस्तों इसका 1 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 30। देखिए इसके अंदर क्या है, 2 × tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है जो हमारी sin 60 होती है। दोस्तों मैंने बताया था कि जो cos 30 की होगी वो sin 60 की होगी और sin 60 होता है हमारा रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, sin 30 होता है 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ एक साइन वाली लाइन याद कराई है, बाकी पूरी वैल्यू चार्ट आप यूं ही याद कर सकते हैं। यहां पे आ गया 2 प्लस दोस्तों यहां आ गया 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। करेंगे क्या, यहां से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 4 ही आएगा, इसकी इनटू इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और प्लस 3 माइनस 1। दोस्तों क्या आंसर आ रहा है यहां से, 8 और 3 11, 11 और 11 में से क्या जाएंगे हमारे दोस्तों, 11 में से जाएंगे कह सकते हैं 11 में से 1 गए 10, 10 अपॉन 4 ये आ जाएगा 5 अपॉन 2। दोस्तों यहां पर अगर साइन 60 है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये था कि यहां पर साइन 60 भी हो सकता है, अगर दोस्तों यहां पर साइन 60 है तो इस बात को आप याद रखेंगे कि यहां पर रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये कट जाएंगे दोनों 3 बाई 4 से 4, आंसर उसका 2 आ जाएगा। ठीक, उसको भी चेंज कर लेना अगर हो तो किसी के बुक में, बाकी आपको अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जाना है। यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है cos 45, दोस्तों cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 अपॉन sec 30, आपको पता है sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, ये होता है cos 30 प्लस cos sec 30 जो sin 30 होता है उसका उल्टा, यह आ जाएगा 2 अपॉन 1। यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सबसे पहले एक काम करो, नीचे का अलग एलसीएम ले लेते हैं। दोस्तों यहां से आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 अपॉन, बात ध्यान से समझनी है, रूट 3 एलसीएम आएगा बट डिवाइड करेंगे 2 + 2√3। ठीक, यहां से आने के बाद अब जब यहां से 2 अपॉन 2√3 आएगा तो ऊपर के ऊपर इंटू और नीचे की नीचे इंटू, तो इस 3 की इंटू रूट 3 के साथ होगी तो रूट 3 अपॉन इस रूट 2 की इसके साथ इंटू करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2√2 + 2√6। आपको पता है रूट 2 की रूट 3 के साथ होगी तो रूट 6 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें होगा क्या आगे कि जो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है, अब देखो कभी भी डेनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते, तो दोस्तों कभी भी अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाती है तब आपको एक काम करना होता है, उसको रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि जो भी साइन आपके नीचे लगा हुआ है, हमारा नीचे लगा हुआ है पॉजिटिव, तो 2√2 - 2√6। मैंने थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में ले लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, तो हम वहां से भी ले सकते हैं उसकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, 2√6 - 2√2 अपॉन 2√6 - 2√2। ठीक, देखो मैंने आगे पीछे क्यों किया है, उसका भी एक रीजन है दोस्तों कि आगे पीछे करने का रीजन ये है क्योंकि ये एक बड़ी डिजिट है और बड़ी डिजिट हमेशा कोशिश किया करो कि आगे रखो, क्योंकि देखो यहां पे था 2√2 - 2√6 तो आगे पीछे कर लेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है रूट 3 2√6 - 2√2 और देखो नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो 2√6 2√2। यहां से वैल्यू आ जाएगी, आप ऊपर चाहें तो इंटू कर सकते हैं, यह आ जाएगा 2√18 - 2√6।
अपॉन, नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4 4 6 जा 24 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8। दोस्तों ऊपर आ गया, ऊपर चाहे तो आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 कॉमन लेने के बाद यहां से बचेगा रूट 18 और रूट 18 को लिखा जा सकता है 3 रूट 2। आपको पता होना चाहिए कि रूट 18 को कैसे मैंने लिखा है। देखिए रूट 18 अगर हमारा यहां पे लिखा हुआ है तो रूट 18 को लिखा जा सकता है 3 × 3 × 2 और ये पेयरिंग बाहर निकल जाएगी तो 3 रूट 2 मैं इसे लिख सकता हूं। 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन, दोस्तों यहां से मल्टीप्लाई करके ये बचेगा 16 और 16 यहां से इसको काट देंगे आप तो आंसर आ गया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। दोस्तों ये इसका आंसर था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या है, वैल्यू बड़े ध्यान से रखते हुए चलना है दोस्तों। इसके अंदर 1/2 + 1 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 sec 30 की वैल्यू रखी है मैंने, प्लस cos 60 होगा हमारा 1/2 प्लस cot 45 1 इक्वल्स टू। देखो ऊपर एलसीएम आप ऊपर ले लीजिए और नीचे का एलसीएम नीचे ले लीजिए, ठीक। ऊपर 2 कटेगा रूट 3 आ जाएगा, प्लस यहां 2√3 ही रहेगा, माइनस यहां से करेंगे तो ये 2 कट के 4 आ जाएगा डिवाइड होकर के। सिमिलर कंडीशन यहां पर भी आएगी, डिवाइड करेंगे 4 आएगा, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे रूट 3 आएगा, प्लस 2√3 आ जाएगा, ठीक। यहां से इसको सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू निकल के आ रही है, क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, मतलब क्या है, ये भी रूट 3 है ये भी रूट 3 है, तो ये तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो यहां से देखो फिर वही कंडीशन बन रही है, आपको यहां से रेशनलाइज करना पड़ेगा और रेशनलाइज करने के लिए 3√3 माइनस 4 ऊपर और 3√3 माइनस 4 नीचे। दोस्तों ध्यान रखना नीचे जो साइन लगा हुआ है उस नीचे वाले साइन का अपोजिट साइन होना चाहिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नीचे वाला साइन देखना है, जो नीचे साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। देखो ऊपर दोनों ब्रैकेट आपको दिख रहे होंगे सेम है, तो मैं इसे होल स्क्वायर लिख सकता हूं और नीचे बन रहा है 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। यहां तक आने के बाद अब आपका काम है इसे ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, 3√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 2ab 2 × 3√3 माइनस 4 सॉरी इंटू 4 2ab अपॉन नीचे इसका स्क्वायर करेंगे 27 आ जाएगा माइनस 16। दोस्तों यहां से इसकी वैल्यू अगर मैं माइनस करूं, देखो ये आ गया है 43 माइनस 4 12 24 24√3 अपॉन नीचे माइनस करके आ रहा है 11 है। तो दोस्तों यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए क्या है, क्वेश्चन में दे रखा था 5 cos² 60 + 4 sec² 30 माइनस 10² 45 अपॉन sin² 30 + cos² 30। मैंने cos 60 की वैल्यू रख के स्क्वायर लगाया, 4 ऐसी की ऐसी है, sec की वैल्यू 1 रखा, 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा 5/4 4 × 4/3 माइनस 1 1/4 और 3/4 इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहां से ऊपर मैंने एलसीएम लिया तो 12 आएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड मल्टीप्लाई सब आप कर लेंगे, नीचे आया 4/4 जो कि कट के 1 आ जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों को ऐड करके 12 माइनस करेंगे 67 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन चूज द करेक्ट ऑप्शंस भी विदाउट आप सॉल्व किए हुए नहीं निकाल सकते हैं। विदाउट सॉल्व करने का मतलब मेरा ये है कि पहले आपको सॉल्व जरूर करना पड़ेगा। देखिए सॉल्व कैसे किया जाएगा, आप सीधा सीधा 10√30 की वैल्यू रख लीजिए, 10√30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 10√30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10√30 की वैल्यू का स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये ऊपर तो आ गया 2/√3, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस
वन अपॉन थ्री। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा यहां से तो दोस्तों टू अपॉन रूट थ्री अपॉन थ्री और वन फोर, फोर बाई थ्री, इसकी इंटू इससे, इसकी इंटू इससे करेंगे तो यह आ जाएगा सिक्स अपॉन फोर रूट थ्री। ठीक, सिक्स अपॉन फोर रूट थ्री आने के मतलब है कि आप अब इसे काट लीजिए, काटने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हम इसको देखेंगे, टू थ्री जा टू टू जा। ठीक, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये रूट थ्री इस थ्री को रूट थ्री बार काटता है, तो ये आ गया रूट थ्री अपॉन टू। अब आपको ये चेक करना है कि जितने भी ऑप्शन हमें दे रखे हैं इन सब में किसकी वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू होती है, तो दोस्तों साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू होती है, यहां से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो वन माइनस टेन स्क्वायर है, देखो वन माइनस वन, आपको भी ये बात पता है कि जो 1045 होता है वो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 मतलब 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दे रखा है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। अब आप यहां पर अगर 0 यहां रखते हैं यहां रखते हैं तो आपको पता है साइन 0 0 और साइन 0 0, यहां पे 0 की 2 में इंटू करेंगे 0 ही आएगा, तो दोस्तों यही हमारा आंसर है, इसमें सॉल्यूशन करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है हमारे। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है कि 2 टेन 30, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू टेन 30 1 अपॉन रूट थ्री, 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जो पीछे क्वेश्चन था बिल्कुल सिमिलर उसकी तरह, सिर्फ यहां पे माइनस लगा हुआ है, 2 अपॉन रूट थ्री अपॉन, बात को ध्यान से समझते हुए चलना है, ये एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन थ्री, 2 अपॉन रूट थ्री अपॉन एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 3 इंटू इंटू, ऊपर आ गया 6 नीचे आ गया 2 रूट 3, देखो इससे इसे काटेंगे 3 बार और ये कट के आ जाएगा रूट 3। अब आपको ये चेक करना है दोस्तों, अब आपको ये चेक करना है कि रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, इसमें cos 60 नहीं होती, sin 60 नहीं होती, tan 60 की वैल्यू होती है, तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा हमारा tan 60। ठीक, देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों ये है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई तरीके से आ जाता है, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, किसी के भी साथ आ सकता है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको ये देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इधर लगा हुआ है उसी रेशो में ये वैल्यू चेक करनी है किसकी है, तो आपको पता है ये टेन सिक्सटी की वैल्यू है, 10 से 10 कंपेयर कराएंगे तो आपको पता है a प्लस बी इक्वल्स टू 60, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। सिमिलरली tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट थ्री दे रखा है, तो मैं यहां से आप पता होना चाहिए आपको कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू होती है ये tan 30 की होती है। अब यहां अगर दोनों साइड में कंपेयर कराऊं तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है 30, तो यहां से इक्वेशन सेकंड इसे बना लो आप, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो देखो a प्लस बी यहां रख दो 60, b से b कैंसिल हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 90 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 45। a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक, यहां से a और b की वैल्यू हमारी आ जाती है। तो दोस्तों बात थी क्वेश्चन नंबर थर्ड की, और बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, मतलब 8.3, और आशा करता हूं कि वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो इतना कर दो कि बस पूछो मत। थैंक यू।